हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 13, 14 और 15 तारीख को रिया चक्रवर्ती के फोन पर जो घंटी बजी थी, आज उसी का एनालिसिस हो रहा है। असली घंटी बज रही है। हम मास्टर स्ट्रोक को आगे बढ़ा रहे हैं। एबीपी न्यूज खुलासा कर चुका है, सुशांत और रिया के बीच आखिरी फोन कॉल सिर्फ 3 सेकंड का था। रिया ने सुशांत की मौत से 24 घंटे पहले 4 लोगों को फोन किया था। रिया ने 13 जून की रात आखिरी कॉल किसी एयू नाम के शख्स को किया था। सुशांत की मौत के दिन रिया ने 66 मिनट किसी राधिका नाम की महिला से बात की। सुशांत की मौत के दिन यानी 14 जून की सुबह एक अनजान नंबर से पहली और आखिरी बार रिया ने कॉल किया, और वो आखिरी नंबर जिस लड़की के पास है वो हमें कहती है कि उसने तो सुशांत से बात की है। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ।